ज्यादा और क्या कर सकते हैं, समझा दिए उसे, उम्मीद है समझ आ गई। अरे रुको, मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो ना, ऐसे नहीं किसी के घर में एंटर होते। देखिए डैड को। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज्यादा देर नहीं रुकूंगी, फिर आ गई जी। वो एक्चुअली मेरी मॉम भी आने वाली है ना, इसलिए तो बस जल्दी से अपनी बात करके चली जाऊंगी। बहुत अच्छी बात, तो मैं उनकी जरूरत दी। मेरी जिद के आगे उनकी चल नहीं पाई, मजबूर होगी। कैसी जिद? वो मेरी और शाहजेब की शादी की जिद। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, पागल हो गई हो तुम? तुम्हारे बाप की उम्र के हैं ये, इनके साथ चक्कर चला रही हो? इससे इंसान से शादी करना ये कहाँ का शेवा है? मैं पागल नहीं हूँ, प्यार करती हूँ, शादी करना चाहती हूँ। देखिए आज तो तैयार होकर भी आई हूँ। नहीं तुम पागल नहीं, मैं तुम्हें पागल नहीं समझता, तुम बस बीमार हो। मगर मसला ये कि तुम खुद ठीक नहीं होना चाहती, तुम एक शराब के पीछे भाग रही हो, तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आएगा। घर जाओ अपने, मनान इसे घर लेके जाओ। मैं वापस नहीं जा रही। हमने चल 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 शाज़ेम कहा भी था, तुम इस तरह नहीं बात कर। यकीन ही नहीं आ रहा कि प्रोफेसर साहब ने उस 2% की लड़की के लिए तुम लोगों के साथ। अरे तुम रोना तो बंद करो, तुम जानती हो ना मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। डैड बदल गए, बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे। अरे कोई बदले बदले नहीं है वो, उन्होंने जो शराफत का लिबादा उड़ा हुआ था ना अपने चेहरे पे, वो उतार के फेंक दिया है, उनका असल चेहरा हम सबके सामने आ गया है। सच बताऊं वो शुरू से ही ऐसे थे। हाँ गलती मेरी ही है, मुझे तुमसे छुपाना नहीं चाहिए था, सब कुछ पहले बता देना चाहिए। क्या छुपा रहे हो तुम? जाने दो, तुम तो वैसे ही मेरी बातों पे यकीन नहीं रखती। फयाम तुम मेरी कसम बताओ, बताओ क्या छुपा रहे हो तुम? अरे मुझे तो शर्म आ रही तुम्हें बताते हुए। हमारी डैड की इमेज यूनिवर्सिटी की लड़कियों के सामने कुछ ठीक नहीं है क्या? हाँ यही सच है। मुझे तो उनको अपने डैड कहते हुए शर्म आ रही है। अरे तौबा तौबा तौबा, जो मैंने कल देखा ना, अगर तुम्हें बता दिया तो तुम मरती मर जाओगी, लेकिन अपने बाप का चेहरा नहीं देखोगी तुम। ऐसा क्या किया उन्होंने? जो तस्वीरें मैंने तुम्हें सेंड की थी ना, अरे वो तो कुछ भी नहीं है, असल कहानी तो उसके बाद शुरू हुई थी। नहीं नहीं मुझे नहीं जानना इस बारे में कुछ भी। सुनो तो, अरे यार तुम नाराज क्यों हो जाती हो? मैं तो तुमसे खुद ही बात छुपा रहा था, मैं तो बताना नहीं चाहता था, तुम ही जिद कर रही थी। अच्छा छोड़ो ये सब बातें, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि इतना सब कुछ होने के बाद प्रोफेसर साहब हम दोनों का रिश्ता करेंगे क्या? होते कौन है मेरी जिंदगी का फैसला करने वाले, मैं अपनी मर्जी की खुद मालिक हूँ और मुझे तुमसे कोई जुदा नहीं कर सकता, वो भी नहीं। अगर तुम मुझसे इतना ही प्यार करती हो तो क्यों ना हम एक हो जाएं? क्या? देखो आगे जाके भी तो हमें एक ही होना है ना, तो क्यों ना आज? क्या तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हें लेके एक अनजाना सा खौफ मुझे सताता रहता है, अगर तुम मुझे ना मिली तो मेरा क्या होगा? प्लीज मुझे इस खौफ से आजाद कर लो, निकाह कर लो ना मुझसे यार। क्या क्या कह रहे हो तुम?
अरे ठीक ही तो कह रहा हूँ मैं। देखो प्रोफेसर साहब की बात जो है ना अभी दबी हुई है, कल कलाको को उनका कोई स्कैंडल वायरल हो गया तो अरे तुम खुद सोचो ना, मेरे घर वाले तुम्हारे घर पर रिश्ता कैसे लेकर आएंगे? आंखों देखी मक्खी कौन निकलता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही होगी। देखो हमें अपने बेटर फ्यूचर के लिए आज स्टेप उठाना पड़ेगा। ठीक है, तुम थोड़ा सोचने का मौका दो। ठीक है, और ये रोना बंद करो प्लीज, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना।